एक्साइटमेंट से आपने बुलाया ना, इट हैज बीन, या आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर एंड बैक टू माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, लाइक आई ऑलवेज कॉल देम माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स. ठीक है, ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर. हाँ, आदि तो नाते ही नहीं है ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स. गजब बेइज्जती है. म्यूजिक सोचो, ये कितना आसान क्वेश्चन है जो कि जेई में आया हुआ है. क्वेश्चन का नाम पर नहीं धब्बा लग रहा है. जो स्टूडेंट ने सॉल्व किया वो स्टूडेंट का नाम पर क्या होगा भाई? नो कमेंट्स. ऑप्शन सी. ऑप्शन लगाए हैं सी, वो मत सोचना, है ना. ठीक है, तो मैं बोलूंगा, अगर आप किसी भी बच्चे को कंसेप्चुअल इश्यूज आते हैं कि उसे कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो मैं बार बार अपने लेक्चर में बोल चुका हूँ, ट्राई टू राइट आंसर इन सब्जेक्टिव वे. सर, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग. बट बच्चे, अगर कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो ये भी तो टाइम का वेस्टेज ही हो गया कि आपको आपकी तलवार में धार नहीं है और आप लड़ते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ तो कटेगा. लेकिन अगर तलवार में धार नहीं है तो सिर्फ आपका कटेगा. चिपकाया था समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती. क्या था पंकज सर ने भी बहुत सही बोला था. पंकज सर के मिस्टर ने समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे सच्चा प्यार हो उससे शादी नहीं होती. समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती और जिससे प्यार हो जाए उससे शादी. क्योंकि इन्हीं में ही कपलिंग है. मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ? कपलिंग के लिए. कपलिंग इतनी बार बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? कपलिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, कपल बन रहा है. कपल तो जानते ही आप लोग, है ना? आपसे अच्छा कौन जानता है, इसलिए तो ड्रॉप में हो. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या?